हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज हम एक डिज़ाइनर पैटर्न बनाने वाले हैं जिसको बनाने में सबको बहुत दिक्कत आती है, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। एक राउंड सर्कल आपको ड्रॉ करना है एंड ऊपर की तरफ आपको एक थिक लाइन ड्रॉ करनी है। ध्यान रहे कि साइड में आपको शार्पनेस रखनी है। हम इस डिज़ाइन में बहुत सिंपल फ्लावर्स और सिंपल से लीव्स यूज करने वाले हैं, तो ये डिज़ाइन आपसे भी बहुत अच्छे से बन जाएगी। तो बिल्कुल इसे देख के डरना नहीं है, हमें इसे बनाना है और बनाते बनाते ही हमारा हाथ साफ होता है, तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। फ्लावर्स को बनाते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें एक राउंड सर्कल चाहिए फ्लावर में, तो उस हिसाब से हमें इसे ड्रॉ करना है और अच्छे से हमें इसे बनाना है। कोई भी चीज़ मिक्स नहीं होनी चाहिए। ये थोड़ा थिक प्रेशर के साथ बनता है और इसमें मिक्स होने का थोड़ा सा डर ज़्यादा रहता है, तो इस चीज़ को हम कवर करने के लिए पहले एक लाइन बनाते हैं और फिर उसे ऊपर से डार्क करते हैं। इस डिज़ाइन में हम फ्लावर के ऊपर से तीन बंच बनाने वाले हैं। ये डिज़ाइन गर्ल्स पैटर्न वाला फ्लावर कहलाता है। ये वाला जो फ्लावर है इसे गर्ल्स पैटर्न वाले फ्लावर कहते हैं। ये अरेबिक डिज़ाइन में बहुत यूज़ होते हैं और हमने अभी जो डिज़ाइन बनाया वो लगभग अरेबिक डिज़ाइन जैसा ही कुछ है। ये आप बहुत अच्छे से अपने क्लाइंट को लगा सकते हैं और बहुत जल्दी ये डिज़ाइन बन जाता है। गर्लिश लुक भी ये डिज़ाइन देता है, तो ये काफ़ी सुंदर लगता है। बट इसका स्टेप्स हमें बहुत अच्छे से फॉलो करना होता है। आप देख सकते हैं मैंने तीन फ्लावर बनाया, उसमें लाइन लेके मैंने प्रेशर दिया एंड जस्ट साइड के कॉर्नर से उसे शार्प रखा और इसका शेप मैंने राउंड में रखा। तो आपको इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखना है और इसी तरह से आपको ये फ्लावर क्रिएट करना है। लीफ के डिज़ाइन में आपको हर वक्त सिखाती हूँ, हर डिज़ाइन में मैं आपको बताती हूँ कि लीफ का डिज़ाइन आपको कैसे उठाना है। लाइन लेना है, प्रेशर देना है एंड स्प्रेड करना है। लाइन देना है, डॉट पर प्रेशर देना है एंड स्प्रेड करना है। स्पायरल को भी हमें बहुत अच्छे से बनाना है, उसकी एक भी लाइन मिक्स नहीं होनी चाहिए। हमें कोई भी डिज़ाइन अगर हम बनाते हैं तो वो अगर मिक्स हो जाती है तो वो मैसी सा लुक देने लगती है, इसलिए हमें कोई भी डिज़ाइन को मिक्स नहीं होने देना है। लाइन के सपोर्ट के साथ हमें उसमें थोड़ा सा गेप रखना है। इस तरह से आप फ्लावर बनाएंगे। फ्लावर्स की जो पेटल्स लिए मैंने वो हार्ट शेप में नहीं लिए है, उसमें मैंने सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखा है कि ये एक राउंड शेप क्रिएट करे, तो इस हिसाब से मैंने ये पेटल्स उठाई है। आप साइज़ का कोई इशू नहीं है, साइज़ आप छोटी बड़ी रख सकते हैं, बस ध्यान रखें कि वो राउंड शेप में आए एंड इसमें आप स्ट्रोक करना शुरू करेंगे। स्ट्रोक का बहुत आराम से हमें करना है, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। क्या होता है कि अगर स्ट्रोक्स मिक्स हो गए तो वो डिज़ाइन इतनी खूबसूरत नहीं लग पाएगी, तो इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा सा गेप छोड़ के ही सीधी सीधी लाइनें अगर बनानी है तो वैसा कुछ भी कर सकते हैं अगर स्ट्रोक नहीं आता है तो, और अगर आता है तो थोड़ा बिल्कुल मामूली सा गेप छोड़ के हमें सीधे सीधे जल्दी जल्दी स्ट्रोक्स लेने होते हैं। हम अगर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो वो बिगड़ जाते हैं, तो याद रखें कि किसी चीज़ को ओवर टाइम भी नहीं देना है, जितना उसको ज़रूरत है उतना टाइम हमको देना रहता है। मैंने जैसे लीफ की डिज़ाइन बनाई है आपको वैसे ही बनाना है, उसमें मैंने बीच में एक लाइन रखी है तो आप इस तरह से रख सकते हैं। इसके अलावा और स्पायरल का ये डिज़ाइन मैंने उठाया है ताकि ये डिज़ाइन और खूबसूरत लग पाए। नीचे थिक डिज़ाइन हो गई, यहाँ पे फ्लावर डिज़ाइन हो गई, अब बारीकी थोड़ी हमें चाहिए है तो वो इससे बिल्कुल हमें मिल जाएगी। देख सकते हैं मेरे जो स्केलप्स और स्पायरल बने हैं उसके सबके शेप एक जैसे है, तो आपको क्या करना है इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको भी तीनों में शेप एक जैसे रखने हैं एंड लीफ के डिज़ाइन को तो अब आप बनाना सीख ही गए होंगे काफ़ी अच्छे से, मैंने इतनी बार आपको सिखा दिया है तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए वैसे तो, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। लाइन लेना है, डॉट लेना है एंड स्प्रेड करना है। पांच पेटल्स की ये मैंने लीफ का डिज़ाइन बनाया है जिसमें लास्ट पेटल में मैंने एक टर्न दिया है। अगर आप वो नहीं देख पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप सोबर उसे छोड़ सकते हैं। यहाँ से मैंने लाइन उठाई है ताकि मुझे एक बेस मिल जाए और मुझे कोई बेल्ट का यूज़ ना करना पड़े। ये मैंने विदाउट बेल्ट बनाया है, लाइक अरेबिक डिज़ाइन जैसा कुछ मैंने क्रिएट करने की कोशिश की है। डिज़ाइनर पैटर्न में काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है क्योंकि भरमा हाथ एक बार हम बना लेते हैं उसमें कोई बेस की ज़रूरत नहीं होती, पर डिज़ाइनर हाथ बनाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमने इस बार डिज़ाइनर हाथ की ये सीरीज़ निकाली है। इसमें आपको फिर से वही फ्लावर लेना है जो हमने फर्स्ट में बनाया था और ये फ्लावर थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें हमने कुछ पेटल्स ज़्यादा रखे थे, इसमें हमें कुछ पेटल्स कम रखने हैं
और इस तरह से इसे कंप्लीट करना है। याद रहे मिक्स ना हो, मैं जैसे लाइन का जो गेप दे रही हूँ वैसा आपको गेप देना है ताकि वो बिल्कुल भी मिस ना हो। यहाँ से आपने इस तरह से एक और फ्लावर उठाना है जिसमें लाइन नॉर्मल और ऊपर टॉप पे आपको थोड़ा सा प्रेशर देना होता है। इस तरह से ये डिज़ाइन बहुत अच्छे से बन जाता है। लीफ के डिज़ाइन को हमें छोटा साइज में पहले निकालना है, फिर बड़ा करते हुए 3 पेटल्स के साइज निकालने हैं। स्केलप्स और स्पाइरल एक बेस्ट डिज़ाइन है हमारे डिज़ाइन को और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, तो इनका यूज़ आपको मेरी डिज़ाइन में तो मिलता रहता है। तो ये डिज़ाइन आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, अगर आप एक बार प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपके हाथ में भी जम जाएगी। बिल्कुल डरना नहीं है, एक बार थोड़ा कुछ मिस्टेक होता है चलता है, धीरे धीरे ही हम परफेक्ट बनते हैं। तो प्रैक्टिस करूँगे तो ही परफेक्ट बनोगे, अगर उसे डायरेक्ट छोड़ दूँगे तो नहीं बन पाऊँगे, इसलिए प्रैक्टिस करो और परफेक्ट बनो। हमने फ्लावर डिज़ाइन उठाया है, जैसा कि मैंने आपको कहा है हमें राउंड में एक फ्लावर लेना होता है। आप कहीं से भी फ्लावर उठाओ, किसी भी तरह के पेटल्स उठाओ, पर वो होना राउंड में चाहिए तो वो और अट्रैक्टिव आपको दिखती है। मैंने राउंड में फ्लावर उठाया है एंड लीफ का डिज़ाइन लिया है। लीफ के डिज़ाइन को मैंने बहुत ईजी रखा है, ऊपर से एकदम शार्प रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड एक हल्का सा राउंड उठा के मैंने लीफ के डिज़ाइन को उठाया ताकि मुझे बेस मिल जाए। जो बची हुई जगह पे आप लीफ ले लेंगे, अगर नई जगह बची है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लाइन लेके एक बेस बनाया जिसको हमने लीफ से बनाया एंड यहाँ पे मैंने चेक्स के डिज़ाइन को दे दिया। चेक्स के डिज़ाइन की साइज़ मैंने थोड़ी सी बड़ी रखी ताकि ये थोड़ा सा अलग दिखे और ये थोड़ा सा हम इसमें वर्क कर पाए, ऐसा कुछ रखा है मैंने। मैंने फ्लावर के बीच में भी शेडिंग की थी, ऊपर भी शेडिंग की है। आप अगर कंफ्यूज है शेडिंग में तो थोड़ा सा प्रैक्टिस आप साइड में कर ले एंड फिर आप पेपर पे बनाएं, वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो एकदम डायरेक्ट कुछ चीज़ नहीं हो पाती है, तो प्रैक्टिस करने से हमारा हाथ क्लियर हो जाता है एंड फिर हमारे हाथ पे अगर हम वापस बनाते हैं तो हमारा हाथ ख़राब नहीं होता, इसलिए हमें प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ऊपर टॉप पे मैंने थिक रखा है, नीचे की तरफ बिल्कुल सिंगल लाइन बनाई है। आपको भी इसी तरह से इस फ्लावर को बनाना है। फ्लावर के टॉप पे डार्क करने से वो एक रियलिस्टिक लुक देता है जिसे हमें मिस नहीं करना है। जैसा कि मैंने आपको कहा था चेक्स में हमें बड़ी वाली फीलिंग करनी है, तो वैसे ही मैंने लाइन पे डॉट ले लिया है सेंटर पे एंड बीच में जो बॉक्स के बीच सेंटर में है मैंने वहाँ पे छोटे छोटे डॉट लगा दिया है। अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज है तो इसे एक बार फिर देख ले, आपको समझ आ जाएगी। राउंड लेके स्केलप्स और स्पाइरल लेना है ताकि ये डिज़ाइन और अच्छी लगे। स्केलप्स बनाने के बाद हमें इस पर डॉट लगाना है ताकि ये थोड़ा सा डार्क पे दिखे, लाइट ना दिखे। यहाँ पे मैंने जो 3 फ्लावर वाले बंच बनाए हैं इसके आसपास के डिज़ाइन को हम कवर कर रहे हैं ताकि ये खाली ना लगे। लीफ के डिज़ाइन को बनाया, लीफ के डिज़ाइन के लिए मैंने स्पेस देख ली है और उस हिसाब से जितनी स्पेस है उस हिसाब से मैंने लीफ के साइजेस चेंज करके उसे बना दिया है। आप इसमें थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, अगर आपके यहाँ पे जगह कम हो तो आप कम लीफ के डिज़ाइन भी बना सकते हैं। ये डिज़ाइन बहुत सुंदर लगता है बनने के बाद, आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। यहाँ पे स्पाइरल लेने के बाद मैंने एक बड़ा स्पाइरल लिया जिसकी एक बॉर्डर लाइन मैंने कवर की है। यहाँ पे आपको लीफ के डिज़ाइन को छोड़ना है जैसे मैंने आपको कहा था, आप अच्छे से उसे दिखा सकते हैं। यहाँ पे फिर वापस से नीचे जो मैंने फ्लावर बनाया था वो बना रही हूँ एंड यहाँ पे मैंने उसका सपोर्ट, लीफ का सपोर्ट लेते हुए ये डिज़ाइन को बनाया है ताकि मेरी फिंगर की डिज़ाइन, फर्स्ट फिंगर पे हमें डिज़ाइन को टच करके ही बनाना चाहिए, किसी भी फ्लावर से स्टार्ट करना चाहिए या फिर आपके फ्लावर का जो बंच आपने सेंटर में हथेली में लिया है उससे कनेक्ट होते हुए फर्स्ट फिंगर पे आना चाहिए। डिज़ाइन बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है और बिल्कुल मेसी नहीं लगता। लीफ के डिज़ाइन में भी हमें छोटे छोटे जो गल्फ फ्लावर्स है उसको ले लेना है ताकि वो थोड़ी सी और अच्छी लग पाए और छोटी साइज करना है। पहले हमने थोड़ा सा बड़ा साइज लिया था, साइजेस थोड़ी सी चेंज करनी होती है। फिंगर केस में आके हमें चीज़ों को साइजेस को थोड़ा सा छोटा कर लेना चाहिए। आप कोई भी लीफ की डिज़ाइन या फिर कुछ भी डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं फिंगर्स में, तो आप जो हथेली में और ऊपर जब आप कलाई के वहाँ पे काम करते हैं तो जो साइज़ यूज़ करते हैं वो आप फिंगर में नहीं यूज़ कर सकते हो, तो इसलिए फिंगर में आने के बाद आपको डिज़ाइन को थोड़ा सा
छोटा करना होता है। लीफ के डिज़ाइन मैंने बनाए हैं, बॉर्डर लाइन बनाई है, थिक लाइन बनाने के बाद मैंने नॉर्मल लाइन लिए, स्केलप्स लिए हैं एंड स्पायरल लेके मैंने उसे कंप्लीट किया है। आप देख सकते हैं ये मैंने बहुत अच्छे से फिल किया है, डार्क फिल किया है। अगर आपने डिज़ाइन बहुत अच्छा बनाया है और आपने फिलिंग वर्क में ध्यान नहीं दिया है, फिंगर्स की फिलिंग वर्क में ध्यान नहीं दिया है, तो आपका डिज़ाइन इतना अच्छा नहीं दिख पाता है, क्योंकि स्टार्टिंग पे हमें सबसे फर्स्ट में फिंगर दिखती है, उसके बाद ही आप अपना पूरा हाथ देखते हैं। तो पहले मैंने यहाँ पे मुझे सपोर्ट नहीं मिला था, तो यहाँ पे मैंने लीफ के डिज़ाइन को उठा लिया है एंड उसका जो कर्व पैटर्न है आगे का फर्स्ट फिंगर फर्स्ट लीफ का, वो मैंने बहुत अच्छे से दे दिया है ताकि मुझे ये थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाने में हेल्प कर पाए। स्केलप्स स्पायरल ही मैंने यहाँ पे लिए है, बॉर्डर लाइन ली है, फिर सिंपल लाइन ली है, स्केलप्स लूंगी। फिंगर डिज़ाइन में स्केलप्स बहुत ही बारीकी से मैंने बनाए हैं, थोड़े से हम्स उठाए हैं, उसे थिक लाइन दिया है, नॉर्मल लाइन लिया है, स्केलप्स लिया है, इस तरह से मैंने इसे कंप्लीट किया है। ये फिंगर की डिज़ाइन मुझे बहुत सुंदर लगी, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना, एंड में अगर सके बच जाती है तो डॉट लगा के हम उसे कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट फिंगर की डिज़ाइन हमें उठानी है, जिसमें मैंने थिक लाइन ली है, स्टार्टिंग थिक लाइन से ही करनी होती है, कोई भी अगर डिज़ाइन इस पर टच कर रही होती है तो वो डिज़ाइन आपस में मिक्स नहीं होती और ये बहुत ही सुंदर सा लुक देती है। स्केलप्स उठाने के बाद हम्स उठाएंगे, हम्स उठाने के बाद हमें लाइनें लेनी है, लाइंस लेने से इस डिज़ाइन को और अच्छा हम लुक दे पाते हैं और स्केलप्स भी उसको बारीकी से दिखाने में हेल्प करते हैं। हमें लीफ के डिज़ाइन को उठाना है, लाइन डॉट एंड प्रेशर, लाइन डॉट एंड प्रेशर, इस तरह से हमें इस लीफ के डिज़ाइन को कंप्लीट करके उसके कॉर्नर्स को छोड़ना है। इसके साथ ही मेरी लास्ट फिंगर भी कंप्लीट हो गई है, जिसमें मैंने लाइन और स्केलप्स का यूज़ किया है और ये बहुत ही बारीकी से इक्वलिटी के साथ मैंने बनाई है। आप भी इसे ट्राई करें और बताएं कि आपको ये कैसी लगी। इसका एंडिंग जो डिज़ाइन है जो मैं कंप्लीट कर रही हूँ, इसे कंप्लीट करना बिल्कुल भी ना भूलें, इसे आखिरी में थोड़ा सा शेप देना होता है, लुक देना होता है, ताकि ये थोड़ी अट्रैक्टिव लगे। लास्ट वाले जो कॉर्नर है उसे हम हर बार ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिससे वो इतना अच्छा डिज़ाइन नहीं दे पाता, इतना अच्छा लुक नहीं दे पाता। अब मेरे साथ आपको ये चीज़ बिल्कुल मिस नहीं करनी है, जैसे जैसे मैं करती जा रही हूँ आपको सेम वैसे ही करना है। और अब बताइए कि आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी, क्या इस तरह की और डिज़ाइन आप सीखना चाहते हैं। इस तरह की और अच्छे अच्छे डिज़ाइन सीखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।